कैसे वहां अभिनय जा सोमवार उम्मीद कर सब लोग बढ़िया हुआ था भाई लोग। जैसे कि अपन जा रहा था हमारी टैलेंटेड बहन, जी हाँ इंदु वटी, हम सब लोग छोड़ के चल दी। जी हाँ एक ऐसा दर्द देखेगी जिसे शायद ही भुला नहीं भूले। लेकिन रिसेंटली आखिर बहन के कैसे का कुछ हो रही से 6 जुलाई के वो मनहूस रात और पिता ये सारी चीज़ें जो है इंटरव्यू आउट हो चुके हैं। आज वो बात करते हुए बताया कि का कुछ रही से पूरा सच्चाई और किस तरह बहन हाँ अंतिम समय में का कुछ रही से जो सब कुछ बताने वाला वीडियो पूरा एंड तक बने रहा। तो जैसे भाई लोगों का मैं जाता हुआ शनिवार यानी कि 6 जुलाई रात 10 बजे अचानक से कॉल आते और कहते कि मैं घर आ था। और कुछ देर बाद एक और कॉल आते और वो कॉल आने के बाद ये पता चलते कि एक्सीडेंट हो गए एंड उनका पिताजी जाकर वहाँ पर जो है पहुँचते हैं। और से पहले और जो जो सर्कल में रहते उन्होंने हॉस्पिटल रेफर कर देते कांकरेल में बहन के जो है इलाज नहीं किया जाए और सीधा रायपुर रेफर किया जाते। एंड रेफर करने के बाद जैसे पिता पहुँचते तो वहाँ पता चलते कि वो कोमा में है। एंड नेक्स्ट दिन ट्रीटमेंट चले के बावजूद वो कोमा में रहते। माँ पिता और भी बहुत से लोग जाकर मौजूद रहते और बात करते लेकिन फिर भी वहाँ से बहन से कोई रिस्पॉन्स नहीं देख मिल रहा क्योंकि बहन कुछ भी जवाब नहीं दे पा रही। लेकिन रिसेंटली जो है पिता इंटरव्यू आउट हुए जहाँ पर बताया का रीजन से जो है बहन हम सबला अलविदा कह के छोड़ चल दी। तो सबसे पहले वो क्लिप देख लो। कहाँ पर लगा था? सिर में। सिर में वहाँ डॉक्टर के पास गए तो क्या बोला वो? सिर में ज्यादा चोट है, सिर के कारण नहीं तो कुछ नहीं होता, सिर के कारण। तो भाई लोग आप मन देख सकते हो उनका पिता बताइए से कि सर में चोट लगने के कारण वो कर जो है हम सब लोग छोड़े के मुख्य कारण रही से क्योंकि विदाउट हेलमेट वो स्कूटी में रही से एंड देन स्कूटी में से जो है काफ़ी ज़्यादा जोरदार टक्कर लगी कार से एंड जो है सर पर चोट आई से और यही चोट जो है वो हम सब लोग छोड़ के जाने में मजबूर कर दी। जी हाँ संगवारी हो और ये रीज़न रही से बहन के हम सब लोग छोड़ के चले। इतना ही डॉक्टर मन के भी कहना है कि अगर सर में शायद चोट नहीं लग रही थी तो बहन हम सब के बीच इस समय मौजूद रहती पर वो हम सब ला छोड़ के चल दी। तो परमेश्वर मन के परिवार ला एक दुख सहने की शक्ति दवाए। तो आप मन का कहना चाहता हूँ इंदु बहन के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर।